मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन बुधवार की सुबह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के इलाज की स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने वहां बन रहे 500 बेड के बाल संस्थान को भी देखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संस्थान के भवन में 300 बेड का नया कोविड-19 अस्पताल 30 अगस्त तक हर हाल में तैयार करें। आपको बता दें, बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 70,000 टीमें डोर टू डोर सर्वे कर कोरोना मरीजों का पता लगा रही है। रोज 1 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। अधिक जांच के चलते कोरोना मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए 1.51 लाख से ज़्यादा बेड उपलब्ध हैं। शर्तों के साथ बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की भी सुविधा दी गई है, लेकिन यदि घर पर अलग से कमरा या बाथरूम नहीं है तो ऐसे लोगों को भी कोविड-19 अस्पताल में आना होगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों, नेपाल के तराई क्षेत्र और पश्चिमी बिहार से भी लोग इलाज कराने आते हैं। मरीजों की संभावित तादाद को देखते हुए यहाँ बीआरडी के बाल संस्थान में 300 बेड का नया कोविड-19 अस्पताल बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 100 बेड की टीवी अस्पताल में लेवल 2 और लेवल 3 की सभी सुविधाओं के साथ वेंटिलेटर और अन्य जरूरी उपकरणों के इंतजाम का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जंग में लगे लोगों को प्रशिक्षित करना भी बेहद जरूरी है। अधिकारियों को नए अस्पताल और सुविधाओं के विस्तार के साथ ही प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोविड-19 के इलाज के लिए लेवल 2 और लेवल 3 अस्पताल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के इलाज की सुविधाओं, दवाओं की कोई कमी नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस वैश्विक महामारी का मुकाबला बहुत अच्छे से किया है। उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी रहा है। प्रदेश के हर नागरिक का जीवन सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए जो भी संभव होगा, सरकार वो सारे कदम उठाएगी। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, SP नॉर्थ अरविंद पांडे, CO कैंट सुमित शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आ जाएंगे तो आप भैया
साफ सुथरी है। देखिए कोविड 19 की समस्या, बचाव और उपचार को लेकर के व्यापक कार्य योजना इस समय युद्ध स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कोविड 19 को लेकर के जो कार्य योजना बनी थी, जनता कर्फ्यू का हो, लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक की कार्रवाई, इन सब का अक्षरशः पालन उत्तर प्रदेश ने किया। देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद हम लोग काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश के अंदर इस इन्फेक्शन को रोकने में सफल हुए हैं, लेकिन सतर्कता और बचाव अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अब अनलॉक के बाद ट्रेन चलनी शुरू हो चुकी हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट प्रारंभ हो चुकी हैं, कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट भी वंदे भारत अभियान के अंतर्गत प्रारंभ हो चुके हैं। इस दृष्टि से हम लोगों ने 70,000 टीमें पूरे प्रदेश के अंदर बनाई हैं, डोर टू डोर सर्वे के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। हर जनपद में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए गए हैं। कोविड 19 के दृष्टि से जो इस पर हर एक व्यक्ति को हम ट्रेस कर सकें, हर सस्पेक्टेड केस का सैंपल लेकर के और उसका कोरोना की जांच कर सकें। 1,00,000 टेस्ट प्रतिदिन वर्तमान में एवरेज वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और इसीलिए नंबर ऑफ केसेज भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ केसेज को बढ़ने को देखते हुए ही ये व्यवस्था की जा रही है कि अब तक हमारे पास 1,51,000 से अधिक बेड्स उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करने के बाद हम लोगों ने इस बात को देखा, होम आइसोलेशन की कुछ शर्तें रखी गई हैं कि सेपरेट रूम, सेपरेट टॉयलेट के साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उस व्यक्ति के पास हो तो हम उसको आइसोलेशन की सुविधा, होम आइसोलेशन के लिए उसको स्वतंत्रता देंगे, लेकिन नहीं है तो उन स्थितियों में उन्हें कोविड हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। लेकिन ये केवल असिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए ही है, हर एक के लिए नहीं है। इस सब के बावजूद लेवल 2 लेवल 3 के हॉस्पिटल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मैं कल इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग को अपने स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पर पहले से ही बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चल रहा है। इस बाल संस्थान के भवन को भी 300 बेड का एक नया डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बनाने की तैयारी के लिए मैंने विभाग को निर्देशित किया है। ये भवन निर्माणाधीन है, 30 अगस्त तक इसको हर हाल में निर्माण करने के लिए कहा गया, तैयार करने के लिए कहा गया है। मेडिकल एजुकेशन को यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट आदि लगने हैं, खासतौर पर वेंटिलेटर, हाई फ्लो नेजल कनुला जो बहुत प्रभावकारी है इस कोरोना 19 में, तो उसकी दृष्टि से यहाँ पर उनको उन इक्विपमेंट की कमी न पड़ने पाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए, ये सब कार्यों के लिए डेडिकेटेड 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के वासियों की दृष्टि से जो भी कोरोना पॉजिटिव केसेज आते हैं, क्रिटिकल केसेज आते हैं, उनकी दृष्टि से इसको तैयार करने के लिए कल ही मैंने कहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गोरखपुर को इसके लिए गोरखपुर का टीबी हॉस्पिटल जो एक नई बिल्डिंग बनी हुई है,
100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसको बनाने और उसमें लेवल 2 और लेवल 3 की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है। 30 अगस्त तक यहां पर इसके लिए भी उन्हें कहा गया कि मैन पावर की ट्रेनिंग इसमें बहुत आवश्यक होती है, तो ट्रेनिंग की कार्रवाई भी हमारी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके और जो भी अन्य कार्यक्रम करने इसको करते हुए यह कार्यक्रम हम कोविड 19 के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। आज मैं इसीलिए आज इस कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए स्वयं आया हूं कि 30 अगस्त तक इसको बना करके तैयार कर लें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को बाहर न जाना पड़े, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को गोरखपुर में और वाराणसी में ही ये सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। इसके लिए सारी तैयारी, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं और हम इसके लिए पूरी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हर जनपद को भी इसके लिए अलावा कहा गया है कि वे लेवल 2 या लेवल 3 के कोविड हॉस्पिटल अलग से बनाएं, जिसमें वेंटिलेटर हो, हाई फ्लो नेजल कैनुला हो। ये बहुत प्रभावकारी है और इसको हर जनपद में भी तैयार करने के लिए, महाराजगंज को, कुशीनगर को, देवरिया को, हर एक जनपद में हमारे पास बिल्डिंग मौजूद हैं, इसमें किया जा रहा है। और प्रदेश के भी सभी 75 के 75 जनपदों में वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर 500 से अधिक लेवल 1 के हॉस्पिटल हैं, 77 लेवल 2 के हैं और 26 लेवल 3 के हैं। लेवल 3 के हॉस्पिटल में ICU भी है, वेंटिलेटर और HFNC भी उसमें मौजूद है। लेवल 2 में कुछ बेड्स हैं वेंटिलेटर के, उसमें हाई फ्लो नजल कैनुला उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और उनको हम तेज़ी के साथ उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हर एक जनपद को ये कहा गया है, क्योंकि सर्विलांस का बड़ा महत्व है इसमें और सर्विलांस जितना बेहतर होगा रिजल्ट उतना बेहतर होगा और मृत्यु दर उतनी कम होगी। इसलिए ये कहा गया है कि हर हाल में हर जनपद में लेवल 2 के हॉस्पिटल हों। मेरे दौरे इसी बात को लेकर के प्रदेश में लगे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री, दोनों डिप्टी CM, हम सभी 5-6 लोग अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं भी बरेली, मेरठ, सहारनपुर कमिश्नरी का दौरा करके आज गोरखपुर कमिश्नरी के दौरे पर इसी बात को लेकर के आया हूँ और सभी अधिकारियों से भी जिला प्रशासन को हम लोगों ने इस बारे में कहा है। हमारे पास न भवन का की कमी है, न मैन पावर की कमी है, न इक्विपमेंट की कमी है और न किसी भी अन्य प्रकार की दवा की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को कोविड 19 के दृष्टि से जो पेशेंट जिनमें ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी तेज़ी के साथ गिरता है, उन लोगों के लिए MT शिविर दवा उपलब्ध करवाई गई है और पर्याप्त मात्रा में दवा हर लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने के लिए लेवल 2 में हेल्थ विभाग और लेवल 3 के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन इसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रहा है। और भी जो आवश्यक होगा, हर हाल में प्रत्येक व्यक्ति की का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसके जान को बचाने के लिए जो भी संभव सहयोग और जो भी संभव सुविधाएं होंगी वो सरकार अपने स्तर पर करेगी।